अगर मैं कहूं आज से 786 दिन बाद ये दशा दिल्ली की होने वाली है, हाँ दिल्ली में पानी खत्म होने वाला है, डे जीरो मतलब किसी क्षेत्र में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का पानी खत्म हो जाना, और 786 दिन बाद दिल्ली इसी मुसीबत से निपटने वाला है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, 2021 में पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, ऐसे कई इंडिया के क्षेत्र हैं जो इसी मुसीबत से निपटने वाले हैं। पर ये नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। 2014 में केप टाउन ने भी डे जीरो फेस किया था, उनका डे जीरो 4 महीने दूर था, तब वहां के लोगों ने अपने पानी के इस्तेमाल करने के तरीके में बदलाव किया, और इस बदलाव करने के कारण उनका 4 महीने का डे जीरो 10 साल में बदल गया। आज उनका पानी का कंजम्पशन रेशियो 2014 के मुकाबले 50% से भी ज्यादा कम है। और फिर हमारे पास तो 2 साल से ज्यादा का समय है, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। आपको पता है भारत में 80% से ज्यादा जनता ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है, ये ग्राउंड वाटर जो सिर्फ वर्षा ही रिचार्ज कर सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मात्र तरीका है जिससे हम ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। आप तमिलनाडु को देखिए, 2013 में तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करा दिया गया था। उसका नतीजा, अगर आज आप तमिलनाडु की वाटर सप्लाई को काट दीजिएगा ना, तो 6 महीने तक बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। आओ मस्तानी।
शैतानी कर लो थोड़ी शैतानी, ठंडे ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, गाना आना है गाना चाहिए। नहीं सही है, सुनी काफी है तुम। वीडियो के बीच में नहीं होगा शायद। पर ये पानी की बर्बादी कम नहीं हो रही, ये पानी की बर्बादी मैं होने नहीं दूंगा। ये तो दूसरी बात है। ओए 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 हैंडपंप, ये क्या हो गया मेरे यार? यार इन्होंने मेरा सारा पानी चूस लिया यार। हे भगवान, ये तेरी हालत बड़ी बेकार हो गई यार। सनी मुझे अपने साथ ले चल यार। मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा मेरे यार, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। मुझे ले चल सनी। चल यार आ जा। लीकेज होना और ऐसी बहुत सी चीजें हम बार बार सुनते आ रहे हैं, पर फिर भी इन 2012 वाटर इज कंसीडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। आप पानी को जिस तरह जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। शायद तभी खैर, ये आपकी जिंदगी है और आपका पानी है, आप इसे जिस तरह इस्तेमाल करिए। आज का मुकदमा किसको मिलेगा? जुमरी तलैया का पानी शुरू किया जाता है। होशियार, आज के मंत्री बता रहे हैं। हमारा भरोसा मत लो साहब, हमारा भरोसा मत लो साहब।
सही बात बोल रहा है भाई, सही बात बोल रहा है मंत्री जी। सुनिए बोलिए, आप लोगों ने इन्हें क्या नहीं दिया? इक्वालिटी, सही बात है 377, सही बात है, सैनिटी, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। लोगों ने आपको क्या दिया? क्या दिया? बात तो सही बोले बेटा, इन्होंने आपको क्या दिया? देश को क्या नहीं दिया? देखो, अच्छा देखो भाइयों, देखो अब हम अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो जो जो पानी है आप इनको दिया गंदा
मजाक, हमारे हक का पानी हमसे छीन लिया गया और उन्होंने छीना जिनका ये पानी कभी था ही नहीं। अब मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा, क्या कहूंगा मैं इसे, जब ये सुबह उठेगा मेरे पास इसे पिलाने के लिए कुछ नहीं। थोड़ा सा पानी दे दो, कोई मेरी मदद कर दो। भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। भाई साहब दो घूट पानी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब मैं सारे काम करूंगा, जो काम है वो करूंगा, लेकिन पानी दे दो भाई साहब, वही तो दे दो, कोई तो मदद कर दो, कोई तो मदद कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हेजखंड के पास तुम्हारी इस प्यास की दवा है। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहां से हैं? जब तुम लोगों ने इस पानी की कदर नहीं की तब मैंने इसी पानी को कौड़ी के भाव खरीदा और आज वो पानी अमूल्य बन चुका है। बेटा मैं पानी लेके आ रहा हूँ। पानी दे दो पापा। पापा 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 पापा